अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं कोटली सतिया आया हूँ। यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक रिजॉर्ट भी है, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा ही अच्छा लैंडस्केप लगा। और मेरे साथ छोटे भाई, मेरे स्टूडेंट भी हैं, थे, असिस्टेंट कमिश्नर हैं आप IRS में। और कौन सा कॉमन था? 46 कॉमन से ये CSP ऑफिसर अल्लाह ने इनको बनाया। ये भी साथ थे और हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे। आज मैं आपको जिस ऐसे के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली इन्फ्लेशन का ऐसे है। निशान, क्या लगता है अभी ये जो पेपर आने वाले हैं इसके बीच में इन्फ्लेशन का ऐसे कितनी अहमियत रखता है? बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि बड़ा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। एक हॉट टॉपिक बन गया है मौजूदा हुकूमत के बीच में भी। तो मेरा ख्याल ये है स्टूडेंट्स कि आप इस दफ़ा जब तैयारी करें तो इन्फ्लेशन का ऐसे आपने तैयार करना है। अच्छा, आप उसके चार पाँच जो एस्पेक्ट्स हैं अगर आप तैयार करें तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, यार आप चार से पाँच अच्छी, एक मिनट ज़रा गाड़ी गुजर जाए, चार से पाँच अच्छी डेफिनेशन इसकी आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर statista.com पे जाएं और इन्फ्लेशन के पाकिस्तान के आपको ट्रेंड्स मिल जाएंगे। पिछले 30-32 साल के पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हमेशा से मसला रहा है, तो ये ट्रेंड्स आप लाजमी नोट कर लीजिएगा। बेहतर है कि डेकेड वाइज जाएँ। 1988 से 2000 के साल तक इन्फ्लेशन का एवरेज रेट क्या था, फिर परवेज़ मुशर्रफ के पीरियड में चले जाएँ 2007 तक क्या था, फिर 8 से चले जाएँ 12 तक क्या था जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी, 13 से 17 तक चले जाएँ जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, फिर 18 से अब तक का मौजूदा हुकूमत का जो ओवरऑल इन्फ्लेशन का ट्रेंड है उसको देखें। फिर इन्फ्लेशन को आप कंपेयर भी कर सकते हैं जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके साथ। इन्फ्लेशन की टाइप्स का भी आपने जिक्र करना है, कौन कौन सी होती है, डिमांड पुल क्या है, सप्लाई पुल क्या है, और फिर उसके बाद में हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, वॉकिंग किसे कहते हैं, क्रीपिंग किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर एक बहुत बड़ा इसका मेजर एस्पेक्ट बनेगा इन्फ्लेशन के ओवरऑल इम्पैक्ट्स क्या हैं। मैं सीन चेंज करता हूँ ताकि आपका सिनेरियो चेंज हो। इन्फ्लेशन के ओवरऑल इम्पैक्ट्स क्या हैं हमारी मईशत के ऊपर, इसमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट्स आपने देख लेने हैं। गुर्बत भी पैदा करती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को ये ज़ाहिर इन्फ्लेशन बुरी तरह मुतासर कर रही होती है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट करती है मुल्क के अंदर, हुकूमत की अटेंशन को भी डाइवर्ट कर देती है, फिर उसके बाद में डेवलपमेंट सेक्टर को भी बुरी तरह मुतासर करती है। फिर कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर चले जाइएगा कि इन्फ्लेशन की कौन कौन सी ओवरऑल कॉजेज़ हैं पाकिस्तान के बीच में। फॉरेन एक्सचेंज रेट उसका जो है गिर जाना, वो उसकी कॉज है। फ्यूल की, बेटा आप इधर आ जाएँ, ये वाला एरिया नज़र आ जाएगा। हुकूमत का जो ओवरऑल इन्फ्लेशन का ट्रेंड है उसको देखें। फिर इन्फ्लेशन को आप कंपेयर भी कर सकते हैं जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके साथ। इन्फ्लेशन की टाइप्स का भी आपने जिक्र करना है, कौन कौन सी होती है, डिमांड पुल क्या है, सप्लाई पुल क्या है, और फिर उसके बाद में हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, वॉकिंग किसे कहते हैं, क्रीपिंग किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर एक बहुत बड़ा इसका मेजर एस्पेक्ट बनेगा इन्फ्लेशन के ओवरऑल इम्पैक्ट्स क्या हैं। मैं सीन चेंज करता हूँ ताकि आपका सिनेरियो चेंज हो। इन्फ्लेशन के ओवरऑल इम्पैक्ट्स क्या हैं हमारी मईशत के ऊपर, इसमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट्स आपने देख लेने हैं। गुर्बत भी पैदा करती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को ये ज़ाहिर इन्फ्लेशन बुरी तरह मुतासर कर रही होती है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट करती है मुल्क के अंदर, हुकूमत की अटेंशन को भी डाइवर्ट कर देती है, फिर उसके बाद में डेवलपमेंट सेक्टर को भी बुरी तरह मुतासर करती है। फिर कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर चले जाइएगा कि इन्फ्लेशन की कौन कौन सी ओवरऑल कॉजेज़ हैं पाकिस्तान के बीच में। फॉरेन एक्सचेंज रेट उसका जो है गिर जाना, वो उसकी कॉज है। फ्यूल की, बेटा आप इधर आ जाएं, ये वाला एरिया नज़र आ जाएगा। फ्यूल महंगा हो जाना इंटरनेशनल मार्केट में, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाना, ये इसकी एक कॉज है, उसको आप लेंगे। आबादी का बढ़ जाना, वो उसकी कॉज है। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर का परफॉर्म ना करना, इसकी एक कॉज है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने अच्छा फिर हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है जो प्राइसेस रोकने पे है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, ये रीज़न है। अच्छा, फिर आपने स्टेप्स का जिक्र करना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ किया। मल्टीपल चीज़ें हैं, एक्ट बनाए मुख्तलिफ तरह के, मजिस्ट्रेसी सिस्टम दिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी सिस्टम, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म एक क्रिएट किया, तो ये सारे के सारे, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा बनाया, तो ये बेशुमार किस्म के स्टेप्स हैं जिनका मकसद है कि इन्फ्लेशन को रोका जाए। अच्छा, फिर उसके बाद में फाइनली आपने रिकमेंडेशंस दे देनी है कि मज़ीद क्या क्या कुछ करने की ज़रूरत है। मज़ीद जो करने की ज़रूरत है उसके बीच में मल्टीपल चीज़ें हैं। आप अपना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को मजबूत करें ताकि चीज़ों की सप्लाई बेहतर रहे। फिर उसके बाद में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने प्राइसेस को कंट्रोल करना है,
होर्डिंग को, स्मगलिंग को, उनको एक्टिवेट किया जाए ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें। फिर तीसरे नंबर पर इसकी चीज़ ये आ जाती है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अच्छे जो हैं वो मैकेनिज्म बनाएं, मॉनेटरी पॉलिसी को ज़रा स्ट्रिक्ट करें। जैसे ही आप ये बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट, तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होने लग पड़ती है। तो ये ओवरऑल इसकी ये जो है रिकमेंडेशंस हैं वो आप दे सकते हैं। इस वीडियो को भेजना मसला हो जाता है अगर मैं इसको ज़रा लंबा कर दूं, तो इसलिए इसको छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इन्फ्लेशन पर ऐसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। इस दफ़ा 2022 के लिए ये बहुत अहम है। थैंक यू।